कटरीना कैफ को अपनी आने वाली फिल्म भारत के रिलीज होने का इंतजार है और इसके साथ ही उन्हें उम्मीद है कि इस साल तक वे अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगी। मुंबई में शुक्रवार को भारत के प्रचार के दौरान कटरीना ने मीडिया से बात की। कुछ समय पहले ऐसी खबरें थी कि कटरीना फ्रांसीसी फिल्म ही लव्स मी और ही लव्स मी नॉट के राइट्स खरीद लिए हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले अघोषित कारणों के चलते इसे शुरू नहीं किया जा सका। हालांकि अब इसे हटा लिया गया है और इस पर भी काम चल रहा है। विशेषतः प्रोडक्शन में आने वाली कटरीना प्रमुख बॉलीवुड अदाकारा हैं। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा और स्वरा भास्कर पहले से ही अपने प्रोडक्शन हाउस चला रही हैं, जो भारतीय सिनेमा में महिलाओं की उत्तम और बेहतर प्रस्तुति को सुनिश्चित करते हैं। प्रोजेक्ट के विकास के बारे में बात करते हुए कटरीना ने कहा, यह फ्रांसीसी फिल्म एक ऐसी कहानी है जिस पर हम काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। ये वास्तव में एक फ्रांसीसी फिल्म नहीं है, लेकिन कुछ आइडियाज थे जो मेरे पास आए। मुझे ये अच्छे लगा और शायद एक निर्माता के रूप में मैं इसमें शामिल हो सकती हूँ। कुछ चर्चाएं चल रही हैं और उम्मीद है कि इस साल फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। सलमान और कटरीना कैफ स्टार भारत एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसे आलिया बाज़ जफर ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म में तब्बू, जैकी श्रॉफ, दिशा पाटनी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म भारत में 5 जून 2019 को ईद के अवसर पर रिलीज होगी। ऑनेस्ट रिपोर्ट।